हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, यह है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आपने देखा होगा, अगर आप इसके शेयर को फॉलो करते हैं तो ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली पिछले कुछ टाइम में। जैगवार एंड लैंड रोवर सेगमेंट में काफ़ी नुकसान झेलने को मिला, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव मिलने लग गया। तो देखिए, डबल खुशखबरी है टाटा मोटर्स के लिए, और साथ में टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी बने नंबर वन। किस चीज़ में, वो सब बात करते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए, चलते हैं हम सबसे पहले पहली खुशखबरी। टाटा मोटर्स ने अभी कुछ टाइम पहले, ये अभी 2 या 4 जनवरी की न्यूज है, 3% उछला था। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन US जैगवार एंड लैंड रोवर सेल्स। US में जो जैगवार एंड लैंड रोवर सेल्स थी वो वहाँ पे अच्छी खासी आकी गई, तो जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का शेयर फ्राइडे को बढ़िया तरीके से उछाल देखने को मिला था। तो आप ये देखिए, जो 24% उछाल, मतलब पिछले साल दिसंबर के अगर कंपेरिजन की जाए तो 14,079 यूनिट्स टोटल पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार इसने सेल किया, जो कि लास्ट ईयर था 11,394 यूनिट्स था। तो मैं तो बहुत बढ़िया न्यूज़ कहूँगा। जिस तरीके से जैगवार लैंड रोवर सेगमेंट में चाइना में इश्यूज़ थे, US में भी कुछ सेल्स इतनी प्रॉपर नहीं हो रही थी, और यूरोप में भी सेल्स प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो अच्छा खासा एक बेहतरीन न्यूज़ टाटा मोटर्स के लिए कहूँगा। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम बात करते हैं सेल्स की, पूरा 2018 की बात करते हैं, तो टाटा ने 26.3% की ग्रोथ दिखाई है। 2,16,986 यूनिट्स बेची है टोटल। वहाँ पे अगर आप देखें, मारुति ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स सबसे ज़्यादा बेची है। तो मारुति की कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स बहुत नीचे लगता है, लेकिन 26.3% ग्रोथ टाटा की 2017 में, तो ये बहुत, ये डबल दूसरी खुशखबरी ये है कि टाटा जो है बहुत सबसे टॉप पे ग्रोथ में टाटा मोटर्स देखा गया है। सेकंड नंबर पे फोर्ड है, थर्ड नंबर पे टोयोटा है, फोर्थ नंबर पे मारुति है, एंड उसके बाद आता है हुंडई, फिर महिंद्रा, फिर होंडा, इस तरीके से। तो मारुति सुजुकी जो है, ये देखिए, आप खुद देखिए मारुति ने कितने सेल किए हैं, तो ऑलमोस्ट 17,25,000, इतनी ग्रोथ 8% की ज़रूर देखने को मिली, लेकिन 17,25,000 बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है, इतनी यूनिट्स इसने सेल कर रखी हैं। और टाटा ने 2 लाख वहाँ पे, देखिए 1/8 तक मैं कहूँगा टाटा की सेल्स मारुति के कंपैरिजन में, लेकिन ग्रोथ पर्सपेक्टिव से टाटा टॉप पे गया है। और जहाँ पे होंडा की सेल्स जो है नेगेटिव में आई है, और इवन रेनॉल्ट की नेगेटिव में आई है, तो वहाँ फोक्स वैगन की नेगेटिव में आई है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत बढ़िया मार्केट टाटा ने इस बार जो है ग्रोथ देखने को मिली। तो ये दूसरी न्यूज़ है। तो चलिए एक नज़र हम देखते हैं, अगर हम टाटा के शेयर की बात करें तो देखिए, टाटा का शेयर प्राइस अभी 170 के अराउंड चल रहा है, और काफ़ी गिरावट देखने को मिली। 54,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट बहुत, उधार बहुत भारी उधार तले ये दबा हुआ है, ये मान के चलिए। और इसका अगर प्राइसिंग देखें तो बिल्कुल गिर रहा है, रौंद रहा है नीचे बिल्कुल। अभी मैं कहूँगा और इसमें गिरावट अगर आती है तो इसका सपोर्ट जो दिख रहा है वो 140-145 की रेंज में दिख रहा है, और बाकी उससे निचला जो सपोर्ट है वो 116 की रेंज है, और उससे निचला जो सपोर्ट है वो 80 की रेंज है। तो इन लेवल्स पर भी आ सकता है, अगर इसने थोड़ा पॉजिटिव मूव दिखाया यहाँ से तो वापस ये अपने प्राइस को रिगेन कर सकता है। तो चलिए, ये तो रही टाटा की बात। और मारुति की अगर देखें स्टॉक प्राइस, इसमें भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, मतलब कि ऑलमोस्ट 10,000 का प्राइस ये टच करने के बाद अभी कुछ टाइम पहले 6,000-6,500 के अराउंड आ चुका था। देखिए कितना, 35% के अराउंड का डिस्काउंट इसमें मिलने लग गया था। अभी थोड़ा सा ऊपर रिवाइव हुआ है ये, और गिरावट अभी भी थोड़ा सा कंटिन्यू है। तो अगर वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से बरकरार रहेगी तो मारुति सुजुकी का अगर आपको शेयर मारुति का मिलता है 6,000 की रेंज में, तो बहुत बढ़िया शेयर मैं कहूँगा इसको 6,000 की रेंज में, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी यही बाइंग प्राइस सजेस्ट कर रही है। और मारुति की अगर आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2,18,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टॉप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वॉश सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ बढ़िया है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़िया है, और डेट फ्री कंपनी है, मतलब 110 करोड़ का डेट है। तो मारुति मतलब मिडिल क्लास की इंडिया में एक पहचान है मारुति पे, और डेट फ्री कंपनी, इतनी बड़ी लेवल की कंपनी और डेट फ्री, तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया स्टॉक है अगर आपको 6,000 या 6,100 इस लेवल पे मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।